हे एवरीवन, सो गाइस आज मैं आप लोग के साथ गुड वाइब्स के फेस वॉश का रिव्यू करने वाली हूँ। सो जो फर्स्ट फेस वॉश है वो है ग्रीन टी वाला और जो सेकंड है वो है पपाया ब्राइटनिंग फेस वॉश। तो गाइस दोनों ही फेस वॉश बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं हमारे स्किन में। इसमें पैराबिन्स भी नहीं है और क्लैरिटी भी नहीं है। सो ये हमारी स्किन के लिए और भी अच्छा हो जाता है। सो गाइस मैं आपको ये ट्राई करके बताऊंगी दोनों, ये रिव्यू और डेमो दोनों है। सो गाइस इस वीडियो को देखिए अगर आप भी कोई ऐसा फेस वॉश ढूंढ रहे हैं जो आपके एक्ने को ठीक कर सके, या फिर कोई ऐसा कि अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट फिर भी आप चाहते हैं कि आपकी स्किन में ब्राइटनेस ऐड हो, तो ये आप ये पपाया वाले यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन में एक्ने है या फिर पिंपल हो जाते हैं आपके फेस पे बहुत ज्यादा, तो आप ये ग्रीन टी वाला भी यूज कर सकते हैं फेस वॉश। ये प्योरीफाइंग फेस वॉश है और ये है ब्राइटनिंग फेस वॉश, तो आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। ये तो मेरा फेवरेट हो चुका है, इसे देख के मैंने बहुत ज्यादा खत्म भी कर चुका है और ये भी मेरा फेवरेट है। बट मेरी स्किन में इतने ज्यादा अभी एक्ने पिंपल कुछ नहीं है, तो मैं अभी इसे नहीं कर रही हूँ। अभी मैं इसे जब से परचेज की हूँ तब से मैं इसे ही ज्यादा यूज कर रही हूँ। इसे मैंने सिर्फ ट्रायल के लिए यूज किया था 10 डेज, तो इसे मैंने 10 डेज के बाद यूज करना बंद कर दिया था। और 10 डेज के बाद से जब से मैं यूज़ कर रही हूँ तो इसे यूज़ करते हैं मुझे 15 डेज से ज़्यादा हो गए हैं। तो दोनों ही फेस वॉश बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं हमारे स्किन पे। इसमें है ग्रीन टी। ये जो ग्रीन टी वाला फेस वॉश है ये प्योरीफाइंग फेस वॉश है और ये एक्ने पिंपल वाली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करता है। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे इन्ग्रीडियंट्स हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे, इसमें ग्लिसरीन ऐड किया गया है और भी बहुत सारे इसमें केमिकल भी है। ऐसा नहीं है कि ये केमिकल फ्री है बट इसमें पैराबिन्स नहीं है, क्लैरिटी फ्री है, इसकी गारंटी देता है। इसकी प्राइस जो है वो है 175। बात करते हैं इसके एमएल की, तो हमें ये पड़ता है 120 एमएल का। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट पैक है, आप इसे 1 मंथ से ज्यादा यूज कर सकते हैं। ये 1 मंथ से ज्यादा चल जाएगा, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। अगर आप डे में 2 टाइम्स यूज कर रहे हैं, 1 डे में 2 टाइम्स ही इसे यूज करना है, ज्यादा यूज नहीं करना है, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 1 टाइम फेस वॉश यूज कीजिए और 1 टाइम आप ऐसा DIY फेस वॉश यूज कीजिए जो आपकी स्किन में नेचुरल ग्लो ऐड करे। सो बात इसकी हो गई ग्रीन टी वाले की। अब हम जो मेरा मोस्ट फेवरेट बन चुका है, बहुत ही अच्छा फेस वॉश है ये पपाया का फेस वॉश है जो मेरा फेवरेट बन चुका है और बहुत ही अच्छा है। ये लिटरली गाइस ये ब्राइटनेस ऐड करता है स्किन में हमारी, अब एक दिन में ऐड नहीं करेगा। अगर आप इसे डे टू डे यूज कर रहे हैं, आप इसे एटलीस्ट 1 वीक से ज्यादा यूज करेंगे तब आपको इसका जो रिजल्ट है वो एकदम क्लियर आपके फेस पे नजर आएगा। बहुत ही अच्छे से फेस को क्लींस करता है और ये बहुत ही, इसका स्मेल बहुत ही फ्रूटी है। इसका कलर आप देख सकते हैं थोड़ा येलोइश टाइप का है इसका कलर, और जो ग्रीन टी वाला था उसका ग्रीन कलर है। तो ये बहुत ही फ्रूटी स्मेल करता है और दोनों ही फेस वॉश जब आप फेस पे अप्लाई करेंगे तो आपको लगेगा कि आप कोई नेचुरल पल्प यूज कर रहे हैं। लाइक एलोवेरा जेल हम यूज करते हैं, तो एलोवेरा जेल बहुत ही ज्यादा एकदम स्किन पे बल्कि बहुत ज्यादा जल्दी रिमूव नहीं होता है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट आपकी स्किन को बना देते हैं इंस्टेंटली और स्किन को बहुत ही अच्छे से क्लींस करता है। दोनों ही फेस वॉश, इसके बहुत सारे और भी रेंजेस हैं जो कि अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग फ्रूट्स वाले या फिर अलग अलग फ्लावर, हनी फेस वॉश, चारकोल फेस वॉश और बहुत सारे ऑरेंज, लेमन, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। आपको जो भी आपको फेवरेट हो आपका, आप उसे मंगवा के जरूर ट्राई कर सकते हैं। बट ये मेरा फेवरेट बन चुका है, बहुत ही अच्छी स्मेल है इसकी। बाय द वे मुझे स्मेल से फर्क पड़ता है, तो मुझे ये वाला फेस वॉश बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें ग्लाइकोलिक एसिड भी है जो स्किन में ग्लो ऐड करता है, ब्राइटनेस ऐड कर। तो ये हमें 195 का पड़ता है और इसके भी ml 120 ml है। इसके जितने भी फेस वॉशेज हैं जो इस साइज के हैं वो 120 ml के हैं। 200 ml वाला भी आता है, वो थोड़ी बड़ी पैकेजिंग है। मैंने ट्राई करने के लिए ये वाला ही मंगवाया था और ये बहुत ही अच्छा है दोनों फेस वॉश। तो मैं चाहूंगी कि मैं इसके और भी जो भी फ्लेवर हैं, जो भी रेंजेस हैं इसके, और भी मैं उसे ट्राई करूं और आप लोगों के साथ शेयर करूं कि ये कैसे बाकी कैसे वर्क करते हैं। ये दोनों तो मुझे बहुत ही पसंद आए हैं, जो एक पपाया वाला है, एक ग्रीन टी वाला है। तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं, purple.com से आप इसे परचेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसे फेस पे लगा के कि कैसे आपको
दिखते हैं लाइव रिजल्ट इसके। मैंने तो इसे यूज करना स्टार्ट कर दिया था पहले से ही कि ताकि मैं आप लोगों के साथ इसके रिव्यू शेयर कर पाऊँ। सो इसका लाइव रिजल्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए और देखते हैं इसके लाइव रिजल्ट की कैसे वर्क करते हैं तुरंत स्किन पे और इंस्टेंटली ग्लो या क्लियर करते हैं कि नहीं स्किन को। सो गाइस, पहले मैं ग्रीन टी वाला फेस वॉश यूज करूंगी। ये एक प्योरीफाइंग फेस वॉश है और ये बहुत ही अच्छा है एक्ने पिंपल वाले स्किन के लिए। एक्ने पिंपल से फाइट करता है ये और इसका वन पंप ही इनफ है हमें फेस वॉश करने के लिए। और ये जेल बेस्ड फॉर्मूला है जो कि बहुत ही अच्छे से हमारी स्किन को क्लींस करता है। ये ज्यादा लेदर नहीं बनाता है फिर भी ये स्किन से डर्ट को रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है। इस फेस वॉश को एक बार ट्राई करना तो बनता ही है क्योंकि ये फेस वॉश बहुत ही अच्छा है जो हमारी स्किन के लिए उतना हार्श भी नहीं है इसमें, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, पैराबिन्स नहीं है, तो ये हमारी स्किन के लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाता है कि हाँ थोड़ा कुछ केमिकल इसमें ऐड नहीं है, बट इसमें कुछ केमिकल ऐड भी हैं। सो गाइस, अगर आपको ये वाला फेस वॉश चाहिए तो आप purple.com से भी इसे परचेज कर सकते हैं। सो मैंने फेस वॉश कर लिया है इसके बाद, तो आप इसके बाद देख सकते हैं कितनी क्लियर स्किन दिख रही है। और सेकंड में जो फेस वॉश यूज करने वाली हूँ वो है पपाया ब्राइटनिंग फेस वॉश। ये इंस्टेंट ब्राइटनिंग देता है हमारी स्किन को और ये मेरा मोस्ट फेवरेट फेस वॉश है। इस पपाया फेस वॉश में ग्लाइकोलिक एसिड भी है जो हमारी स्किन में ग्लो ऐड करता है और ये भी एक जेल बेस्ड फॉर्मूला है। दोनों का ही जो बेस है वो जेल फॉर्म में है, बहुत ही अच्छे से स्किन को क्लेंस करता है और आपको आपकी स्किन को इंस्टेंट सॉफ्ट ब्राइटनिंग भी बनाता है। सो इसे भी मैंने वाटर को मिक्स करके अपने फेस को वेट कर लिया है, उसके बाद मैंने फेस को वॉश करना स्टार्ट किया है। ये भी बहुत ही अच्छा फेस वॉश है और इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे। इसे मैं और भी ट्राई करना चाहूँगी फ्यूचर में और ये इसके बहुत सारे और भी रेंजेस हैं, मैं उसे भी ट्राई करना चाहूँगी। बट ये पपाया वाला तो मेरा फेवरेट बन चुका है क्योंकि इसे फेस वॉश करने से मुझे इंस्टेंट ग्लो मिलता है और मेरी स्किन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा फर्क नज़र आया, तो मैं इसे यूज़ करना बहुत पसंद करती हूँ। तो गाइस, मेरे ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे वीडियो देखने मेरे चैनल में बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।